उनको मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भाई मेरे देश के प्रधानमंत्री को फ्रांस का हाईएस्ट ऑनर मिला है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ लेजियों कहते हैं उसको फ्रेंच में, तो वो उनको मिला है और वो आई थिंक पांचवे शख्सियात है दुनिया में जिनको ये अवार्ड से नवाजा गया है। पहले नेल्सन मंडेला थे, पांचवे मोदी जी हैं, मगर इंडिया के खुशकिस्मती है कि इंडिया के वो पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको ये मिला है। जे इस चीज का भी बड़ा ताजुब होता है मुजफ्फर जी, कि मैं पिछले 4 दिनों में 4 बार सोया हूं और मोदी जी ने पिछले 4 दिन में 3 देश क्रॉस कर दिए हैं, और सिर्फ क्रॉस ही नहीं करे, उन्होंने बड़ी बड़ी मीटिंग्स होल्ड करी हैं सर वहां पे। मतलब मैं अगर हूं उनकी जगह तो मैं भी अगर प्लेन से उतरूंगा किसी देश में तो मेरे भी ऐसे यूं कर रहा होगा, मुंह खुला होगा मेरा। आप सोचो क्या हाल होंगे किसी के बाद इतनी थकान के बाद। मुझे नहीं पता वो कब सोते हैं, कब जगते हैं, कब खाते हैं, लेकिन हम उन्हें जब भी देखते हैं वो बिल्कुल उनके चेहरे पे आप देखना फ्रेशनेस दिखती बहुत है, वो बहुत कहाँ से फ्रेश लाते होते हैं। हैं, फ्रेश होते हैं, बहुत बहुत फ्रेश होते हैं। हाँ, तो इसको यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस कहते हैं, फ्रांस ने इसके लिए हाँ कर दी है, और अब जब भी कोई इंडियन फ्रांस जाएगा उसको क्रेडिट और डेबिट कार्ड के अलावा ये सहूलियत भी मिलेगा कि वो अपने इंडियन रुपए में वहां पे अगर वो चॉकलेट भी खरीद रहा है, कुछ कोल्ड ड्रिंक खरीद रहा है, चिप्स खरीद रहा है, वो स्कैन करके उसके रुपए में से पेमेंट डायरेक्ट मर्चेंट के खाते में जाएगी। यूएई में भी जो हमारा एमओयू साइन हुआ है मुजफ्फर जी, वो हुआ है कॉमन करेंसी पे, यहां पर भी डॉलर को हमने साइड कर दिया है। अभी पिछले साल तक हमारा और यूएई का 85 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट होता था, 85 बिलियन का, जो अब हमें हमारी हम दोनों मुल्कों की कोशिश है कि वो 100 बिलियन के पार जाए। है? तो इंडिया ने अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली का जो कैंपस है, एक कैंपस अबू धाबी में खुलेगा वेरी गुड, आईआईटी दिल्ली का। जी, तो ये देखिए हम कुछ ले रहे हैं तो हम कुछ दे रहे हैं, तो वो अलग अलग ढंग से चीजें गिव एंड टेक के उसमें होती हैं। वो सर जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, क्या वो दुनिया की पांच पांचों बड़ी इकोनॉमीज हैं? नहीं है ना। तो अगर इकोनॉमिक के लिहाज से देखा जाए तो कायदे से इंडिया को वहां होना चाहिए था, सबसे पहली कोशिश है। अभी जो एक्सट्रीम पॉवर्टी इंडिया में है, जो बेहद गुर्बत, वो 1% से कम है, 0.83, मतलब मैं कह रहा हूं जिनको 2 टाइम का खाना भी नहीं मिल पाता वो 0.83 है, 1% भी नहीं है। सर जब तक और जब जब इंसान ने कुदरत पर जुल्म ढाया है, कुदरत ने जवाब उसको अपने अपने तरीके से दिया है, ये आपको पता है। ये जहां पर हमने ज्यादा कंस्ट्रक्शन कर दी हैं, ज्यादा डैम्स बना दिए हैं, वहां भी भूकंप आया, अर्थक्वेक आया है। ठीक है, इंसान पेड़ काटता रहता है बिना ये सोचे समझे कि वहां पर हमें करना क्या है, हम पेड़ तो आज तो इस्तेमाल कर लेंगे, पेड़ ने कितने काम कर रखे थे इंसान ये भूल गया। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, दूसरी तरफ हमारे पास इंडिया से मौजूद हैं जनाब शिवम त्यागी जी। आप इनको हमारे जो इसी चैनल के ऊपर पहले भी देख चुके हैं, किसी लोग इन्हें पसंद कर रहे हैं और बार बार कमेंट्स में कह रहे हैं, इनको बार बार बुलाएं, तो इसी वजह से हम इनको बुला रहे हैं। और आज पहले इनको वेलकम कह देते हैं, उसके बाद में आपको टॉपिक भी बताते हैं। जी नमस्कार त्यागी जी, कैसे हैं आप? नमस्ते मुजफ्फर जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से होंगे। जी मैं बढ़िया हूँ। अच्छा शिवम भाई, आज आपसे जानेंगे, जो मोदी जी का फ्रांस विजिट है उसके बाद में अब वो यूएई पहुंच गए हैं, तो पूरी दुनिया की नजरें अब लगी हुई हैं उनके ऊपर। अचीवमेंट हासिल कर रहा है इंडिया, कभी इंडिया कोई एग्रीमेंट कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। अमेरिका में जिस तरह उन्होंने डीलें की हैं, डिफेंस डील्स की हैं, अब इसी तरह की डील्स जो है वो फ्रांस के अंदर भी हुई है, अब यूएई के अंदर भी काफी कुछ वो करने जा रहे हैं। थोड़ा सा जो इनका फ्रांस विजिट है उसके ऊपर हमें बताइएगा, क्या क्या उन्होंने वहां पर हासिल किया है। ठीक है मुजफ्फर जी, आपको देखिए याद होगा जब 1947 में हम जब अलहदा हुए थे, अलग हुए थे, उसके बाद दुनिया में बस दो ही पावर्स थी, एक अमेरिका और एक रशिया, दो ही पोल्स थे वो, जिसमें एक धड़ा उधर था एक धड़ा इधर था। जैसे जैसे दुनिया ग्लोबलाइज कर रही है, ग्लोबल विलेज बनती जा रही है, अब धड़े दो नहीं रह गए हैं, बहुत सारे हो गए हैं। अब आपने क्वाड की बात सुनी होगी, आपने ब्रिक्स की बात सुनी होगी, आपने सार्क सुना होगा, आपने आसियान सुना होगा, आपने ये जितने कंट्रीज है सबने अपने अपने ग्रुप्स बना रखे हैं। ये एक जो टूर था मोदी जी का वो फ्रांस और यूएई और इंडिया के एक साझा समझौते को लेके था, हालांकि तीनों का अभी कुछ मतलब नहीं, लेकिन जब आप उधर से इधर जो भी डील्स करते आ रहे हो, अग्रीमेंट करते आ रहे हो, वो लगभग लगभग एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं। वो फ्रांस वो गए थे 13 तारीख को, उनको मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भाई मेरे देश के प्रधानमंत्री को फ्रांस का हाईएस्ट ऑनर मिला है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ लेजियों कहते हैं उसको फ्रेंच में, तो वो उनको मिला है, और वो आई थिंक पांचवे शख्सियात है दुनिया में जिनको ये
अवार्ड से नवाजा गया है। पहले नेल्सन मंडेला थे, पांचवें मोदी जी हैं, मगर इंडिया के खुशकिस्मती है कि इंडिया के वो पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको ये मिला है। ये बहुत फक्र की बात है। और हमने देखिए दुनिया को, ऐसा कुछ नहीं है कि हमने बहुत दुनिया को चीजें दी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जब हमारे पास देने की सक्षमता थी, कैपेसिटी थी, हमने दी भी है। कोविड में वैक्सीन से लेकर दवाइयां दी हैं, और जब कोई कुछ देता है तो कभी ये नहीं सोचता कि हमें बदले में क्या मिलेगा। इंडिया का ये उसूल ही यही है कि जब वो देता है तो अगर किसी की मदद कर रहा है तो हम ये सोच के नहीं करते कि भाई हमें बदले में क्या मिलेगा। अगर फ्रांस अपने थोड़े से मौर्ची हाल से, सोसाइटी के हिसाब से थोड़ा गड़बड़ रास्ते से गुजर रहा है, तो इंडिया का फर्ज बनता है उसके साथ खड़ा चाहे रहे, चाहे रशिया हो उसके साथ खड़ा रहे, चाहे कभी भी इसराइल के ऊपर कुछ हो तो इसराइल के साथ खड़ा रहे। जिन जिन ने हमारी मदद हमारे बुरे वक्त में की थी, हमारा फर्ज बनता है कि उनके साथ हमेशा खड़े रहे। मोदी जी को अवार्ड मिला, मुझे इस चीज का भी बड़ा ताजुब होता है मुजफ्फर जी, कि मैं पिछले 4 दिनों में 4 बार सोया हूं और मोदी जी ने पिछले 4 दिन में 3 देश क्रॉस कर दिए हैं, और सिर्फ क्रॉस ही नहीं करे, उन्होंने बड़ी बड़ी मीटिंग्स होल्ड करी हैं सर वहां पे। मतलब मैं अगर हूं उनकी जगह तो मैं भी अगर प्लेन से उतरूंगा किसी देश में तो मेरे भी ऐसे यूं कर रहा होगा, मुंह खुला होगा मेरा। आप सोचो क्या हाल होंगे किसी के इतनी थकान के बाद। मुझे नहीं पता वो कब सोते हैं, कब जगते हैं, कब खाते हैं, लेकिन हम उन्हें जब भी देखते हैं वो बिल्कुल, उनके चेहरे पे आप देखना फ्रेशनेस दिखती बहुत है, वो बहुत कहाँ फ्रेश से होते लाते हैं, हैं। फ्रेश होते हैं, बहुत बहुत फ्रेश होते हैं। हाँ, मुझे नहीं पता वो कहाँ से क्या करते हैं, ऊपर वाला ही जानता है इस बारे में, तो हम तो नहीं जानते, लेकिन कुछ भी करते हैं वो, हमें तो बड़े वो फ्रेश दिखते हैं। हमें लगता है कि भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हमेशा वो खुश रहें, आबाद रहें। हम तो कहते हैं हमारी भी उनको उम्र लग जाए, क्योंकि ऐसे इंसान को बड़ी मुश्किल से इंडिया ने पाया है, तो हम उनको इतनी जल्दी नहीं खोना चाहते अपने बीच में से। खैर, तो फ्रांस के साथ जो अग्रीमेंट्स हुए थे, एमओयू साइन हुए हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो दो तीन पहलुओं पर हुए हैं। पहला है डिफेंस का, जिसमें रफेल्स की बात अभी पुख्ता तरीके से नहीं हुई है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट है उसमें रफेल्स की बात थी कि हमें 36 और रफेल हमें मिलेंगे, तो वो बात अलग है। लेकिन जो अभी इस बार बात हुई है वो ही है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस पे। हम इंडिया में जो भी हम लगभग 90% 80% जो भी हम पेमेंट्स करते हैं वो कैश नहीं करते हैं, वो हम कहीं क्यूआर कोड मिलेगा मोबाइल से, हमने कैमरे के थ्रू उसमें स्कैन करा और पेमेंट हमारे खाते में से दुकान वाले के, बिजनेस वाले के, मॉल वाले के खाते में चली गई। अब वो खाता नंबर से जुड़ा रहता है हमेशा, तो वो पैसा नंबर से नंबर में तो नहीं जा रहा, लेकिन खाते से खाते में जा रहा है। लेकिन आपको सिर्फ सामने वाले का मोबाइल नंबर ही पता है, खाता नंबर नहीं पता, लेकिन जा खाते मेरा है, तो इसको यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस कहते हैं। फ्रांस ने इसके लिए हाँ कर दी है, और अब जब भी कोई इंडियन फ्रांस जाएगा उसको क्रेडिट और डेबिट कार्ड के अलावा ये सहूलियत भी मिलेगा कि वो अपने इंडियन रुपए में वहां पे, अगर वो एक चॉकलेट भी खरीद रहा है, कुछ कोल्ड ड्रिंक खरीद रहा है, चिप्स खरीद रहा है, वो स्कैन करके उसके रुपए में से पेमेंट डायरेक्ट मर्चेंट के खाते में जाएगी, उसको डॉलर में चेंज नहीं कराना पड़ेगा। तो हमारा मेन मकसद ये भी है इंडिया का कहीं ना कहीं कि डॉलर जो करेंसी है उस पर हमारी डिपेंडेंसी कम हो। यही चीज यूएई से भी जुड़ी मैं बताऊंगा अभी आपको आगे। तो फ्रांस में हमने एक तो यूपीआई का हमने स्टार्ट कर इनिशिएट करा है, और जिससे कि वहां के जो मर्चेंट्स हैं, वहां के जो दुकान वाले हैं या मॉल्स वाले हैं या स्टोर कीपर्स हो गए, उनके यहाँ एक्सेप्टेंस है, इस चीज का एक्सेप्ट होगी अब आगे। और दूसरी चीज है, हमने 3 स्कॉर्पिन सबमरीन पनडुब्बी का हमने एमओयू साइन करा है, जो जॉइंटली फ्रांस और इंडिया हमारे बॉम्बे में माजगांव डॉक पे बनाएंगे। और पहले क्या होता था कि पहले हमेशा इंडिया ज्यादातर डिपेंड रहता था रशिया पे और इसराइल पे। रशिया के थोड़ा सा भी हालात खराब हैं तो हम रशिया का साथ ऐसा दोस्त नहीं छोड़ रहे, लेकिन हम उस पर पूरा डिपेंड नहीं हो सकते अपने हथियार को इम्पोर्ट को लेके, एम्यूनिशन के इम्पोर्ट को लेके, वेपन्स के इम्पोर्ट को लेके। तो हमने फ्रांस, अमेरिका, इसराइल, इन पे हम अभी अपना एमओयू ज्यादा ज्यादा साइन कर रहे हैं। तो अब जो हमने फोकस करा है मुजफ्फर जी, वो करा है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पे। पहले पूरा का पूरा बना बनाया, मिसाल के तौर पर सबमरीन हमारे पास आ गया, इंडिया आ गया, पनडुब्बी इंडिया आ गई बनी बनाई, या फाइटर जेट रफेल पूरा आ गया। हमने अब ये शर्त रखी है जी, आप बनाओगे इंडिया आके, पहली चीज ये शर्त है। और दूसरी शर्त ये है कि जो आप जिस टेक्नोलॉजी में बना रहे हो वो आप टेक्नोलॉजी चाहे 10 साल बाद, 8 साल बाद, वो हमें आप बता के जाओगे। हमारे इंजीनियर सक्षम है, हम मे भी पहले आपने इजाद कर ली वो, हम सीख लेंगे उसको, हम जो इजाद करेंगे वो आपको सिखा देंगे वो आगे। ठीक, तो इस बेसिस पर हमने एमओयू साइन करे हुए हैं फ्रांस के साथ। ये पूरा फ्रांस का ब्रीफ था जो मोदी जी ने वहां पे करा है,
और बहुत अच्छा लगा मुझे कि वो फ्रांस का जो नेशनल डे है, बेस्टिस डे परेड पे हमारी तीनों जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स थी, तीनों ने शिरकत करी। मुझे बहुत अच्छा लगा, देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा वो। और जिस गर्मजोशी से उनका स्वागत हुआ था, इस्तकबाल हुआ था वहां पे, वो भी देखने के काबिल था, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद आज वो यूएई पहुंचे थे। यूएई में भी जो हमारा एमओयू साइन हुआ है मुजफ्फर जी, वो हुआ है कॉमन करेंसी पे। यहाँ पर भी डॉलर को हमने साइड कर दिया है। अभी पिछले साल तक हमारा और यूएई का 85 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट होता था, 85 बिलियन का, जो अब हमें, हमारी इन दोनों मुल्कों की कोशिश है कि वो 100 बिलियन के पार जाए। और अभी तक जो एक्सपोर्ट हो रहा था वो यूएई की तरफ से या इंडिया की तरफ से, ज्यादातर वो कहीं ना कहीं तेल के ऊपर डिपेंडेंट था, क्रूड ऑयल के ऊपर। हम वो कोशिश कर रहे हैं कि और डाइवर्सिफाई हो वो, तेल के अलावा भी और बहुत चीजें हैं, आईटी है, स्पोर्ट्स हैं, कल्चर है, एजुकेशन है। तो इंडिया ने अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली का जो कैंपस है, एक कैंपस अबू धाबी में खुलेगा, वेरी गुड, आईआईटी दिल्ली का। जी, तो ये देखिए, हम कुछ ले रहे हैं तो हम कुछ दे रहे हैं, तो वो अलग अलग ढंग से चीजें गिव एंड टेक के उसमें होती हैं वो। और पिछले साल मोदी जी गए थे, जब शेख बिन जायद जी का इंतकाल हुआ था, उनकी डेथ हुई थी, तो उसमें वो उन्होंने शिरकत करी थी पिछले साल। इस साल शेख नाहियन जी के उस पे गए थे, वो वहां के वो प्रेसिडेंट हैं। तो यही है, यूएई से हमारा अब संबंध अच्छे हैं, रिलेशन अच्छे हैं, और दोनों कंट्रीज में रुपीस और धर्म का जो कॉमन करेंसी का कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ पे अलाउ हुआ है, स्टार्ट हुआ है, इनिशिएट हुआ है ये। तो हमने डॉलर को कहीं ना कहीं साइड कर दिया है यहाँ पे। तो पहले क्या होता था कि कोई भी करेंसी में आप दूसरी चीज खरीद रहे हो तो आपको पहले रुपी टू डॉलर कन्वर्ट करना पड़ेगा और डॉलर टू धर्म करना पड़ेगा, और वो डॉलर हटा दिया बीच में से। तो आप डायरेक्ट ट्रांजेक्शन जो दुबई में या अबू धाबी में कोई करेगा वो रुपीज में कर सकता है, वो आपको पहले डॉलर में चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो आप समझे मेरी बात, जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि वो दो धड़े थे पहले, अमेरिका और रशिया, वो भी अलग अलग हिस्सों में बट गए हैं वो। तो कोई कमजोर नहीं है, कोई एक्स्ट्रा ताकतवर नहीं है। हम ये नहीं कह सकते भाई अमेरिका की बड़ी तानाशाही चल रही है या रशिया की चल रही है, सब अपने अपने घर में तानाशाह हैं, अपने हिसाब से हैं। अब बस बात ये है कि आप दुनिया को क्या दे रहे हो, कंट्रीब्यूट क्या कर रहे हो। नहीं, इसमें जो चीजें मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह आपका ये चंद्रयान 3 गया है, मिशन जो लॉन्च हुआ कामयाबी के साथ, उसके साथ फ्रांस के अंदर जो मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दी थी कि हमें भी जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल की जो परमानेंट निशेत तो वेटो जो पावर है हमें मिलनी चाहिए, तो इसको कैसे आप लिंक कर रहे हैं दोनों चीजों को कि पहले वो अमेरिका का विजिट हुआ, उसके बाद में फ्रांस का विजिट हुआ और चंद्रयान 3 और साथ में इस तरह की स्टेटमेंट, तो इंडिया एक सुपर पावर बनने जा रहा है, इस पे कैसे ये स्टेटमेंट को आप देख रहे हैं मोदी जी? सर, जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, क्या वो दुनिया की पांच पांचों बड़ी इकोनॉमीज हैं? नहीं है ना। तो अगर इकोनॉमी के लिहाज से देखा जाए तो कायदे से इंडिया को वहां होना चाहिए था, और बहुत टाइम से हम उसकी कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बीच में आ जाता है, चाइना का मसला आ जाता है बीच में, लेकिन उसकी कोशिश जारी रहेगी आगे। और अमेरिका, देखिए, हमें कोई नुमाइंदगी करने के लिए नहीं चाहिए कि भाई तुम बोलो तुम बोलो, लेकिन हमें, हमारा जो काम है, हमें पहले उस पर फोकस करना है। सिक्योरिटी काउंसिल में सीट मिलना वो बात की चीज है, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन हमें सबसे पहला काम है कि हमारी जो इकोनॉमी है उसको आगे करना है। कल हमारी बात गुर्बत पे हुई थी, हमें सिर्फ अपनी जो 80 करोड़ की आवाम है जिसको हम फ्री राशन बांट रहे थे, हमारा जिंदगी भर यही काम नहीं है कि उनको 80 करोड़ को हम फ्री राशन बांटते रहे, हमारा ये भी काम है कि उनको अपने पैरों पर खड़ा करके वो सब्सिडाइज जो राशन है वो जल्दी से हटाया जाए, क्योंकि वो जिंदगी भर का काम नहीं हो सकता ना। डिपेंडेंसी जो जिंदगी भर की नहीं हो सकती, वो आपकी आज मालिया हालत है तो आपको कल हम इस काबिल बनाएंगे कि आप अपना खुद बिजनेस करो या नौकरी करो या ऐसा कुछ करो कि जिससे आप अपने पैरों पे खड़े हो, और सब्सिडी का जो मार्जिन है वो 80 करोड़ से 40 करोड़ हो, फिर 20 करोड़ हो, फिर 10 करोड़ हो, फिर 5 करोड़, करते करते सब्सिडी खत्म, ये कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा पूरा। तो हमारी कोशिश ये है, अभी सबसे पहली कोशिश है, अभी जो एक्सट्रीम पॉवर्टी इंडिया में है, जो बेहद गुर्बत, वो 1% से कम है, 0.83, मतलब मैं कह रहा हूं जिनको 2 टाइम का खाना भी नहीं मिल पाता, वो 0.83 है, 1% भी नहीं है। बड़ी बात है जी, बहुत अचीवमेंट है कि जी आप देखें कि पिछले को 10-15 सालों के अंदर किस तरीके से मोदी जी ने या दूसरी जो आपकी गवर्नमेंट्स हैं ये गुर्बत को किस तरीके से उन्होंने खत्म किया। आपके यहाँ गुर्बत खत्म हो रही है, हमारे यहाँ पर गरीब खत्म हो रहा है। हमें यहाँ आपको पता है कि 35% के करीब हमारे जो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं लोग जो,
अच्छा, एक आप इंडेक्स की भी बात कर रहे थे, वो भी हमारे जो देखने वाले उनको बताइएगा कि कौन क्या इंडेक्स है, उसमें क्या बताया गया है। जी कुछ दिन पहले ऑक्सफर्ड ने ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 2023 निकाला है। उसमें 173 173 शहरों की रैंकिंग्स आई है जो रहने के हिसाब से बेहतरीन और सबसे लास्ट में फारिक तरीन। लास्ट के पांच बेहतरीन में सबसे ऊपर यूरोप का शहर है जी, ऑस्ट्रिया का वियना, और ऐसे करते करते सातवां टोरंटो है कनाडा का, ठीक, 10वां ऑकलैंड है न्यूजीलैंड का, और नीचे से पांच जो शुरू होते हैं, सबसे जिसमें कोई नहीं जाना चाहता वो सीरिया का दमिश्क दमस्कस, उससे ऊपर है लीबिया का त्रिपोली 172वें नंबर पे, 171वें नंबर पे है लागोस नाइजीरिया का, 170वें नंबर पे है अल्जियर्स अल्जीरिया का, और 169 नंबर पे है कराची पाकिस्तान का। इंडिया ने भी उस पर कुछ तीर नहीं मारा है सर, हम मैं कोई बड़े बोल नहीं बोलता। 140 में, 141वें नंबर पे दिल्ली और मुंबई दोनों हैं, और 42वें पे चेन्नई है, और 45 और 47 पर अहमदाबाद और एक और शहर है कोई। तो हमारा भी कुछ अच्छा रिकॉर्ड नहीं है उसमें, लेकिन बड़ी बात यह है कि हमारी उस मामले में, उस लिहाज में हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। बॉम्बे में अगर जो भी इंसान रह रहा है, अगर बॉम्बे का पूरा इंडेक्स जो है वो 141 है अगर पूरी दुनिया में, मगर वहां पे 98% लोग अगर खाना खा के सो रहे हैं, तो मेरे लिए वो उपलब्धि है। हम कोशिश करेंगे उसको और बेहतर जगह बनाए रहने के लिए, वहां जो स्लम्स हैं उसको हम हटा के उनको परमानेंट रिहायशी इलाका दें, वो कोशिश रहेगी आगे। लेकिन वो ये कि अब धीरे धीरे करके होगा सब, हर तरफ अब स्पेस भी देखना है, इंजीनियरिंग देखनी है, मेडिसिन देखनी है, सुपर पावर बनना है देखना है, इकोनॉमी देखनी है, स्टूडेंट्स को देखना है, फॉरेन पॉलिसीज को देखना है, बहुत काम होते हैं सर। अब हर जगह धीरे धीरे करके सब कुछ इंप्रूवमेंट होगा, एकदम से रातों रात नहीं होगा ये। तो मैं यही कह रहा था कि लास्ट के जो पांच शहर मैंने आपको बताए, 169वां 170वां 71वां 72वां और 73वां, इसमें आप कॉमन चीज बताओ क्या, आप बताओ मुझे। 69 पे कराची, कॉमन 70 पे अल्जीयर्स अल्जीरिया का, हाँ बताइए पांचों तमाम तमाम मुस्लिम, सारे जी। और के इसमें सारे मुस्लिम से हैं। जी, और इसमें से सर तीन शहरों में से लोग जाते हैं फ्रांस में और यूरोप में। अब आप समझे मेरी बात, अल्जीरिया तो 100% इस्लामिक देश है, बिल्कुल सब दूसरा खत्म ही कर दिया उन्होंने, है ही नहीं कुछ और वहां पे। अल्जीयर्स उसकी कैपिटल है, ठीक है, वो 170वें नंबर पे है। अब आप सोचो इस चीज को कि वहां पे देखिए कोई बीजेपी नहीं है, कोई आरएसएस नहीं है, कोई इसराइल नहीं है, कोई अमेरिका नहीं। मेरा हमेशा से सवाल रहता है पाकिस्तान के लोगों से भी और दुनिया के तमाम मुस्लिम मुल्कों से, मेरा ये सवाल हमेशा रहता है, आप मुझे इसका आप छोटा सा जवाब देना जरूर से, कि ये ऐसा जहां पर कोई हिंदू नहीं है, कोई क्रिश्चियन नहीं है जी, कोई यहूदी नहीं है, वहां पर क्यों दिक्कत होती है, इसका कोई जवाब नहीं किसी के पास। और ये आप पूछें आप एक्चुअली लोगों से, आप जी पूछना क्या, मुझे पता है खुद के इनका ध्यान ही नहीं है, इनके पास काम करने के लिए है कुछ नहीं, दिखाने के लिए है कुछ नहीं ना। तो ये देखिए, सबसे जरूरी चीज होती है एजुकेशन, जो क्वालिटी ऑफ जी एजुकेशन है किसी भी इस्लामिक कंट्री के अंदर मैं नहीं समझता है। पाकिस्तान के अंदर भी अगर बात कर ली जाए, मैं फैसलाबाद के अंदर रहता हूँ, तो आज भी हमारे घर में डिस्कस हो रही थी, मेरी पोती जो है वो 4-5 साल की हो गई, कि इसको किस स्कूल में अब एडमिशन दिलवाया जाए। तो मुझे यहाँ पर कोई इस तरह का स्कूल नजर नहीं आ रहा कि जिसके अंदर मैं उसको उसका दाखिला करवाऊँ, कि जो जिसमें उसको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दी जाए। एजुकेशन सबके अंदर वही घिसी पिटी जो चीजें हैं आज से, जो 20-25-30 साल पहले का सिलेबस, हर चीज वही की वही है। तो हम तो पाकिस्तान के अंदर अभी भी, आप समझ लें कि आप तो चांद पे पहुंच गए हैं, और हम अभी भी अपने बच्चों को जो है वो चांद वाली कहानियां सुनाते हैं यहाँ पर। हमें नहीं, ना हमारे बच्चों को पता है कि साइंस क्या चीज है, टेक्नोलॉजी क्या चीज है, आईटी क्या चीज है। तो ये सारी चीजें हमारे लिए तो एक सुहाना ख्वाब है, कि हम सुनते हैं कि इंडिया आईटी में बहुत ज्यादा आगे चला गया, इंडिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इंडिया में हर दूसरा तीसरा बंदा जिससे मेरी बात होती है वो इंजीनियर है। तो यहाँ पर ऐसी चीजें नहीं है, यहाँ पर तो आप देखेंगे तो ज्यादातर मैट्रिक पास है मैक्सिमम जो लोग पढ़े हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर जो आपको मैं बताऊं, यहाँ पर जो अपना नाम लिख लेता है वो उसको कंसिडर किया जाता है, लिखा जाता है कि ये पढ़ा लिखा है। उसको अगर सिर्फ अपना नाम लिखना आता है, तो उससे अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान जो है वो किस तरीके से तरक्की कर सकेगा, क्या कर सकेगा। और दूसरा सबसे जो मेन चीज ये है कि हमारे जो टीचर्स हैं वो ही कुछ पढ़ाते हैं जो उन्होंने पढ़ा हुआ है। वो उन्होंने यही पढ़ा हुआ है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया के साथ 4 जंगें हुई हैं, इस्लाम जो है वो खत्म
खतरे में होता है इंडिया के साथ, अगर हम कश्मीर भी हमारा जो इंडिया ने कब्जे, ये सारे सिर्फ ये चंद चीजों के गिर्द हमारी जो एजुकेशन है वो घूमती है। तो कैसे फिर आप तो कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर से भी कुछ अच्छे साइंटिस्ट निकले, अच्छे इंजीनियर निकले, अच्छे कुछ इंटेलेक्चुअल लोग निकले यहाँ से? मैं नहीं समझता कि ऐसे पाकिस्तान के अंदर हो सकता है। तो दुनिया के बाकी ममालिक भी जो जो इस्लामिक कंट्रीज है उनके अंदर भी आप देख लें क्या हालत है, वहाँ की एजुकेशन का भी यही हाल होगा। तो जब तक एजुकेशन, अब इंडिया की मैं जो फील करता हूँ, जो मैं देखता हूँ कि इंडिया की जो तरक्की का राज है वो एजुकेशन ही है। वहां पर अगर माँ बाप गरीब भी हैं, एक रेडी वाला भी है, एक रिक्शे चलाने वाला भी है, वो उसकी यही कोशिश होती है कि मैं खुद बेशक वो तंगी अपनी जिंदगी तंगी में गुजार लूं, लेकिन अपने बच्चे को आला तालीम हासिल कराऊं। यही वजह है कि इंडिया इस वक्त जो है वो सुपर पावर बनने के करीब है और दुनिया की जो तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने जा रहा है, जो हम अभी बहुत दूर हैं आपसे। तो मैं कम अज कम हम लोग आपसे 50 साल पीछे हैं। सर देखिए, पता है कि मैं अगर पाकिस्तान के बारे में कुछ अच्छा बोलूंगा कि भाई ये कर सकते हो, तो मुझे बहुत गाली पड़ती है, सच बता रहा हूँ। क्योंकि वो एक जहनी तौर पर आपको भी ट्रेन करा गया है, हिंदुस्तान दुश्मन है, हमें भी ट्रेन करा गया है, पाकिस्तान गलत है। पाकिस्तान देखिए, जितने हमारे यहाँ दहशतगर्द अटैक हुए हैं वो पाकिस्तान से हुए, हमें पता है वो सर, और सबको पता है वो। लेकिन जनरल आवाम वहां की वो गलत नहीं है, मुझे पता है। जो कुछ गलत है वो शायद आपके यहाँ रहते भी नहीं होंगे वो, और अगर रहते हैं, अगर आप उनको पनाह तो दे ही रखी है, हमें मुझे पता है। लेकिन वो ये कि ये सब चीजों से सर आपको बहुत आगे आना पड़ेगा और तालीम पर बहुत फोकस करना पड़ेगा आगे के लिए। मेरा ऐसा मानना है कि जो अगली जनरेशन होगी वो आपकी अच्छी होगी और वो इन सब चीजों से शिवम जी, परे होगी, इन सब चीजों यहाँ से पर हट के। एक एक बात आपने जो बात की थी ना कि जो पाकिस्तान के लोग अच्छे हैं, उनका माइंडसेट चेंज किया गया है, मैं अपनी मिसाल बताऊं कि आज से कोई अगर 2-3 साल पीछे जाए तो मेरा माइंडसेट भी वही था जो आम पाकिस्तानी का माइंडसेट है। मैं भी इंडिया को अपना दुश्मन समझता था, मैं भी ये समझता था कि इंडिया जो है वो कश्मीर पर उसने कब्जा किया हुआ है और मुसलमानों के अंदर बहुत वहां पर जो जुल्म होता है। लेकिन देखे, मुझे जब बताया गया, मुझे मैंने जब स्टडी किया, मैंने जब देखा, मैंने रिसर्च किया, तो मुझे पता चला कि यार जो मैंने जो अपनी जिंदगी के 40-50 साल हैं वो जाया किए हैं, मैंने इंडिया की दुश्मनी में अपने आप को जाया किया है। अब देखे, अगर पाकिस्तान की अवाम का भी यही हाल है, अगर उन्हें सही तरीके से बताया जाए, उन्हें एजुकेट किया जाए कि नहीं ऐसे नहीं है, हकीकत कुछ और है, तो वो सारे लोग ठीक हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये बिल्कुल कहूंगा कि जो इंडिया के भाई उनसे नफरत करते हैं या उनके लिए दिल में बुरा समझते हैं, तो उनको बराह करम उनको बुरा ना समझे, उन्हें मिसगाइड किया गया है। अगर आप भी उनके साथ नफरत करेंगे तो वो तो वैसे के वैसे रहेंगे। तो प्यार के साथ उन्हें समझाने की जरूरत है पाकिस्तानियों को। तो हम कोशिश कर रहे हैं, यही कोशिश कर रहे हैं कि वो समझ जाए और उन्हें पता चल जाए कि नहीं, इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है, हमारी तरफ से कुछ गलतियां की गई जिसकी वजह से वहां के लोग भी हमारे खिलाफ जज्बात रखते हैं। जी जी, और मुझे सर पूरी उम्मीद है कि आप और आपके जैसे लोग इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। आप देखिए, पड़ोसी हैं हम, एक दूसरे के हमसाए हैं, तो जिंदगी भर ये तू तू मैं तो चल नहीं सकती है। दो तरीके हैं, पड़ोस में रहना भी है तो प्यार मोहब्बत से रह लो, और नहीं बात करनी है तो भाई बिल्कुल भी किसी भी टॉपिक पे बात नहीं होनी चाहिए। दो में से एक रास्ता, ये नहीं कि आज बात हो रही है कल बात नहीं हो रही, कल तिजारत हो रही है आज नहीं हो रही है। वो मुझे ऐसा लगता है जो भी चीज हो, परमानेंट हो, दुश्मनी हो तो परमानेंट हो और दोस्ती हो तो परमानेंट हो। और फिर दोस्ती में फिर कोई ये गुंजाइश नहीं रह जाएगी कि भाई कोई आके इंडिया में कुछ परेशान कर रहा है कुछ, वो फिर गुंजाइश नहीं रह जाएगी, वो मुझे ऐसा लगता है। बट आई विश, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, पाकिस्तान के साथ है, सब कुछ अच्छा अच्छा हो आगे। शिवन जी, एक और आखिर में आपसे जानना चाहूंगा, क्लाइमेट चेंज का आजकल बहुत मसला बना हुआ है पाकिस्तान के अंदर भी, दरख्त बहुत तेजी से काटे जा रहे हैं, हमारे यहाँ पर अचानक से बारिशें आ जाती हैं, जहाँ पर जब बारिशों की जरूरत नहीं होती बारिशें हो जाती हैं, जब बारिशों की जरूरत होती है तब सूखा पड़ जाता है। अभी भी इतनी बारिशें हुई है कि हमारा सैलाब बहुत ज्यादा आया हुआ है। आपके भी सुनने में आया कि वहाँ दिल्ली के अंदर भी बहुत ज्यादा बारिशें हुई है, वहाँ भी सैलाब की कैफियत है। ये क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है पूरे जो दुनिया के अंदर, इससे निपटने के लिए कुछ इकदाम हो रहे हैं दुनिया के अंदर, या बस ऐसे ही हम इंतजार करते रहेंगे हर हर दफा ही के कुदरत की तरफ से बारिशें अब टाइम पे होने शुरू हो जाए? सर जब तक और जब जब इंसान ने कुदरत पर जुल्म ढाया है, कुदरत ने जवाब उसको अपने अपने तरीके से दिया है, ये आपको पता है। ये जहां पर हमने ज्यादा कंस्ट्रक्शंस कर दी हैं, ज्यादा डैम्स बना दिए हैं, वहां भी भूकंप आया, अर्थक्वेक आया है, ठीक है।
इंसान पेड़ काटता रहता है बिना ये सोचे समझे कि वहां पर हमें करना क्या है। हम पेड़ तो आज तो इस्तेमाल कर लेंगे, पेड़ ने कितने काम कर रखे थे इंसान ये भूल गया। हालांकि अभी सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28वीं अभी नवंबर में होगी, दुबई में होगी, शायद वो यूएई में ही होगी वो, और इस बार का होस्ट यूएई है, तो इस बार क्लाइमेट चेंज पर बात होगी और बहुत सीरियस बातें होंगी, क्योंकि आप ऊपर आर्कटिक से लेकर नीचे अंटार्कटिक तक, हम बीच में इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये जितने भी मुल्क हैं, जब जहाँ यहाँ पे अर्थक्वेक आता है सर, आपके यहाँ भी आता है, हमारे यहाँ भी आता है, बाढ़ आती है, फ्लड आते हैं, तो ये सब इंसानों का ही करा धरा है ये, और कोई इसमें मुलव्विस नहीं है, कोई इसका दोषी भी नहीं है कोई और, ये इंसान ने ही करा है। धीरे धीरे हमें अपनी डिपेंडेंसी, जो हमारी डिपेंडेंसी रिन्यूएबल चीजों पर नहीं है, अभी हमारी डिपेंडेंसी ज्यादातर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पर है, पेट्रोल पर है, तेल पर या गैस पर, तो हम पृथ्वी से ज्यादा निकाल रहे हैं, अर्थ से जितना शायद अभी मुमकिन नहीं है, उससे ज्यादा निकाल रहे हैं उसमें से, तो कहीं ना कहीं तो वो एक न्यूट्रलाइज करेगी, प्रतिक्रिया होगी उसकी, इस वजह से ये सब हो रहा है। और उसके अलावा 50 साल बाद, लगभग 50 साल में मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया के 80%, 80% गाड़ियां वो इलेक्ट्रिसिटी पे आ जाएंगी, तो हमारी जो डिपेंडेंसी तेल पर है वो उतनी ही कम हो जाएगी, पॉल्यूशन मेरे, हाँ तो मेरे हिसाब से पॉल्यूशन थोड़ा कम होगा। जो ग्लोबल टेम्परेचर था जिसको हम डर रहे थे कि भाई 2 डिग्री ग्लोबली ना बढ़ जाए, अभी उतना नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है उतना हो भी ना, नहीं तो हर जगह बर्फ पिघलेगी, बाढ़ आएगी, वो चीजें ज्यादा होंगी। उस जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको कम करने का तरीका यही कि हमारी जो डिपेंडेंसी है वो तेल पे से कम हो, और सोलर पावर, हाइडल पावर, हाइड्रो पावर और अपनी विंड पावर, इनमें, इन एनर्जीज में से हम अपने अपने रिसोर्सेज ढूंढे। अच्छा, हमारे यहाँ पर कोई कानून नहीं है पाकिस्तान के अंदर। आप पूरे के पूरे बागात जो हैं, इस दफा डीएचए, आपको पता है कि हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके तहत तो एक इदारा है जी 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 जो जी रिहायशी स्कीम निकालता है, तो उन्होंने रेजिडेंशियल मुल्तान के अंदर स्कीम, पूरा आमों का बाग जो है वो काट दिया। हजारों एकड़ पर जो आमों का बागात थे वो काट कर वहां पर जो एक कॉलोनी बना दी, रिहायशी स्कीम निकाल दी। इंडिया के अंदर कोई कानून है ऐसा कि आप लोग उनको रोकते हैं कि दरख्त ना काटे जाएं, या इस तरह जो है जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको खत्म ना किया जाए? जी कानून हमारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, और वैसे भी कानून है कि कभी भी कोई भी अगर हमें बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है कहीं पर, तो उसकी परमिशंस बहुत मुश्किल से मिलती हैं, और कुछ एरियाज हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में, झारखंड में ट्राइबल एरियाज हैं कुछ, जहाँ पे ट्राइब रहती, जैसे आपके यहाँ जाखरानी ट्राइब है, हमारे बहुत सारी ट्राइब्स रहती है जो इबादत और पूजा पेड़ों की करती हैं, पेड़ की पूजा करती हैं, सूरज की पूजा करती हैं वो, तो वो उनके एरिया में तो पेड़ टच करना भी गलत है और वो कानूनी रूप से एक गुनाह है, अपराध है वो, तो कानून है हमारे, काफी सारे कानून है, लेकिन वही बात आ जाती है कि मुनाफा जब बीच में आता है तो फिर इंसान वो देखता नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ वो कुछ जोन्स हैं जहां पर, बफर जोन्स हैं जहां पर बिल्कुल आपको अलाउड नहीं है पेड़ काटना, दरख्त काटना, या वहां पे कोई भी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, रिहायशी इलाका नहीं बन सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया जनाब आपका। आपने आज हमें जो है मोदी जी के बारे में भी बताया, इंडिया के क्या वहाँ पर फ्रांस और यूए में उन्होंने किया है, और उसके अलावा हमने दीगर जो भी मौजूदात थे उसके ऊपर भी आपसे मालूमात हासिल की। तो आपका बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा नमस्कार। मुजफ्फर जी, थैंक यू सो मच, नमस्ते।